नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, एक ऐसा YouTube चैनल जिस पर हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। लोकप्रिय हो रहा है UPI, देश का पहला ओलंपिक पदक विजेता, पंजाबी बस ड्राइवर हुआ हिट, वेटर बने मशहूर शेफ, भारत ने जाम किया दुनिया का इंटरनेट। भारत को उम्मीद है कि उसकी नई इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति दुनिया जीत लेगी। लेते हैं ज्यादा जानकारी। 30 साल पहले तक भारत का हर दुकानदार कैश की कसम खाता था, आज वह उन 5 लाख भारतीय व्यापारियों में से एक है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब UPI का उपयोग करते हैं। 2016 में शुरू किया गया UPI भारत की अपनी खास भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को सीधे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। एक ग्राहक से एक व्यवसाय तक या व्यक्तियों के बीच ऐसे भुगतान आसानी से होते हैं। UPI के अब तक लगभग 1.5 अरब लोगों के देश में 26 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। UPI एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। यह 300 से अधिक बैंकों को जोड़ता है और गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम तथा फोन पे जैसे विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निर्बाध वित्तीय लेन देन को सक्षम बनाता है। कुश्ती चैंपियन से लेके स्वतंत्रता सेनानी तक खाशाबाज जाधव ने एक यादगार इतिहास बनाया है। खाशाबाज जाधव स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। उन्होंने 5 साल की उम्र में कुश्ती में कदम रखा और कई बाधाओं को पार करने के बाद 1948 और 1952 में ओलंपिक्स में भाग लिया। चूंकि उनके पास अपने दूसरे ओलंपिक कार्यकाल के लिए कोई धन नहीं था, इसलिए उनके कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर दाभोलकर ने अपने घर को गिरवी रखने का फैसला किया और हेलसिंकी ओलंपिक के लिए खाशाबा की यात्रा को निधि उपलब्ध कराया। वापसी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने खाशाबा को पुलिस में नौकरी दी तथा भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत में अपने परिवार को दिखाने के लिए उसने म्यूजिक वीडियो बनाया और ये बस ड्राइवर हीरो बन गया। कैसे, आइए जानते हैं। अपनी नौकरी के बारे में बनाए गए एक म्यूजिक वीडियो के हजारों बार देखे जाने के बाद एक बस ड्राइवर एक असंभावित यूट्यूब हीरो बन गया। रंजीत सिंह भारत में अपने परिवार को दिखाना चाहते थे कि वह जीविका के लिए क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से अपनी खुद की एक खास फिल्म बनाई। उनका गीत बहुसांस्कृतिक ब्रिटेन के औद्योगिक इलाके में बस चलाते समय फिल्माया गया था। रंजीत के वीडियो ने हजारों प्रशंसकों को आकर्षित किया है। केवल 4 मिनट लंबा ये वीडियो YouTube पर साझा किया गया था जिसे 66,000 से अधिक बार देखा गया है। इस वीडियो को एक गैरेज और बस स्टेशन के बाहर रिकॉर्ड किया गया। इस 59 वर्षीय ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए गाने का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। आज उनके वीडियो देखकर विदेशी पर्यटक भी भारतीय संगीत पर ठुमके लगाते हुए दिखाई देते हैं। एक वेटर के रूप में शुरुआत करने से लेकर दुनिया के मशहूर शेफ बनने तक सुरेश पिल्ले ने अपना हर सपना सच कर दिखाया है। उन्हें 1993 में वित्तीय समस्या के कारण 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 16 साल की उम्र में अपना गांव कोल्लम छोड़ना पड़ा। सुरेश पिल्लई जो अब एक सेलिब्रिटी शेफ हैं, छोटे मोटे काम करके कुछ रुपए कमा लिया करते थे। अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने की कोशिश भी की, लेकिन यह काम उन्हें नहीं आया। आखिरकार पिल्लई को एक होटल में 450 रुपए मासिक वेतन पर वेटर की नौकरी मिल गई। होटल में घंटों मेहनत करने के बाद पिल्लई ने एक कॉलेज में प्री डिग्री हासिल की। यही शायद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शेफ में से एक बनने की पिल्लई की यात्रा की शुरुआत थी। पिल्लई का जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा है और दिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कोई कैसे ऊंचाई को छू सकता है। पिल्लई के पाक कौशल और सरलता ने उन्हें दुनिया की यात्रा करने, प्रतिष्ठित होटल में काम करने और
बीबीसी के मास्टर शेफ स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने वाले बहुत कम भारतीयों में से एक बना दिया। पिछले 28 वर्षों में पिल्लई ने अभिनेताओं और खिलाड़ियों सहित कई मशहूर हस्तियों के लिए खाना बनाया है। इससे भी अधिक रोमांचकारी बात यह है कि आज वह दुनिया भर में पाक कला की शिक्षा दे रहे हैं। अपनी सुबह की शुभकामनाओं के साथ भारतीय दुनिया के बैंडविड्थ कम कर रहे हैं। जानते हैं क्या है ये मामला। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि दुनिया भर में इतने सारे स्मार्टफोन एक साथ क्यों फ्रीज हो रहे हैं, और इसका जवाब है भारतीयों द्वारा एक दूसरे को भेजे गए गुड मॉर्निंग के संदेश। यह जानकारी गूगल द्वारा खोजी गई। अलग अलग तरह के फूलों, प्यारे बच्चों, पक्षियों और सूर्यास्त की छवियां जो सुबह से हजारों लोगों को भेजी जाती हैं, लाखों भारतीय अपनी सुबह की शुरुआत शुभकामनाओं के साथ करते हैं और बैंडविड्थ को जाम कर देते हैं। सूर्योदय से ठीक पहले और सुबह 8 बजे तक इंटरनेट के नौसिखिए परिवार और अजनबियों को लाखों सुप्रभात चित्र पोस्ट किए जाते हैं। उन सभी सुबह की शुभकामनाओं ने पिछले 5 वर्षों में गुड मॉर्निंग इमेज के लिए गूगल खोजों की संख्या में 10 गुना वृद्धि की है। एक अध्ययन के अनुसार सस्ते स्मार्टफोन और डेटा प्लान ने देश में उपयोगकर्ताओं की अशिक्षित और अनपढ़ समूहों को ऑनलाइन ला दिया है, जो अपनी जरूरतों और कौशल के अनुरूप एप्स को अपना रहे हैं। इस प्रवृत्ति को किफायती स्मार्टफोन और वायरलेस ब्रॉडबैंड के रूप में नया ईंधन दिया गया है। कैसे लगातार छठी बार इंदौर बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर, आइए जानते हैं जाते जाते। इंदौर में प्रतिदिन 1900 टन शहरी कचरे को संसाधित किया जाता है, जिससे यह शहर करोड़ों रुपये कमाता है और अपनी बसों को ईंधन भी देता है। शहर का बायो सीएनजी प्लांट शहर से एकत्र किए गए गीले कचरे पर चलता है और ईंधन प्रदान करता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नगर निकाय, गैर सरकारी संगठन, निजी कंपनियां और नागरिक सभी एक साथ आए। 2016 से इंदौर नगर निगम ने कचरे के ढेर को खत्म कर दिया है, 100% घरेलू कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया है और कचरे को खाद तथा ईंधन जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जा रहा है। अच्छी और सकारात्मक खबरों का सफर आज यहीं पर रोकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।